कदम आगे, जिसको हम कहते हैं एडवांस न्यू टाइप सिस्टम। इसमें कि जो पकाया हुआ भोजन खाते नहीं खाना, तभी यदि भूख लगे गौर केवल प्राकृतिक आहार ही खाना। यहां अब कोई रेसिपी बनाने की आवश्यकता नहीं, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही वही भोग में जितना हो सके ताजा खाना है। अब मिर्च मसाले कुछ भी नहीं डालना है, जैसे अन्य प्राणी खाते हैं। तो अन्य प्राणी के लेवल में हम आएंगे, पशु पक्षी के लेवल में, जब हम ANDS फॉलो करेंगे। आप इसको इससे भी आगे उठना, आध्यात्मिक उन्नति करना। देखो अब तक हम तुलना करते हैं पशु पक्षी प्राणियों से, अब हम तुलना प्राणियों से नहीं करेंगे, अब तुलना करेंगे ऋषि मुनियों से, तपस्वियों से, जिन्होंने प्रभु प्राप्ति की है। यहां हम देख सकते हैं हमारे पूर्वज, हम जो मनुष्य है, हमारे पूर्वज मनु है, मनु मारा सतरूपा माता है, उनके हम वंशज, इसीलिए हम मानव कहलाते हैं या तो मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु महाराज ने तो तपस्या की और प्रभु प्राप्ति की। माता पार्वती ने जो तपस्या की और प्रभु प्राप्ति की, ध्रुव जी ने जो तपस्या की और प्रभु प्राप्ति की, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि इसी जीवन में प्रभु प्राप्ति करना तो कैसे करें। तो उन्होंने सबसे पहले संसार को त्याग दिया। हम नहीं त्याग सकेंगे हर कोई, तब संसार में रह के भी प्रभु प्राप्ति हो सकती है, इसके साथ तुलना करेंगे। लेकिन जिसने संसार को त्याग कर प्रभु प्राप्ति की, वो ऐसे की ये देख लेते हैं, संसार को त्याग कर वो जंगल में चले गए, राजा महाराज की थे। यहां आकर उन्होंने प्रभु भक्ति शुरू कर दी, हरि भजन शुरू कर दिया। लेकिन उनको पता चला कि भूख तो साथ में ही, भूख लगती है, खाना पड़ता है। तो वहां प्लांट बेस्ड फूड वो खाते थे, यानी कि कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, खुले आकाश में रहते थे, खुली हवा मिलती थी, खुला प्रकाश मिलता। तब उन्होंने देखा कि दिन में दो दो बार तीन तीन बार खाते हैं, यहां तो खाने का भी लेने को खुद जाना पड़ता है, वहां तो नौकर चाकर थे, जैसे ही आदेश करते थे आ जाता था, यहां तो खुद को लेने जाना पड़ता है, समय बर्बाद होता है, शक्ति बर्बाद होती है। तो दो दो तीन तीन बार खाते खाते खाने का लाने में, खाने में, पचाने में और जो बचा हुआ बाहर निकालने में समय शक्ति बर्बाद होती रहती थी। प्रभु भक्ति नहीं हो पाती, भजन नहीं हो पाता। तब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए।
तो अब समय बचाना है, समय भगवान की याद में लगाना है, प्रभु भजन में लगाना है। तो सभी समय कब बचेगा? जब खाने का कम करेंगे, और तो कुछ बना है नहीं, अब खाना ही बचा है। तो खाने भी उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा समय हमारा कहाँ लगता है, तब उनको पता चला कि जो सबसे भारी भोजन है पचने में वो है कंद, जैसे कि शकरकंद, आलू, अदरक, बहुत सारे ऐसे कंद वहां उनको मिलते। तो सबसे पहले कंद खाना छोड़ दिया और थोड़ा सा समय बच गया। बाद में धीरे धीरे उन्होंने मूल खाना छोड़ दिया, मूल यानी मूली, गाजर, ऐसे बहुत सारे मूल जंगल में वनस्पति से मिलते, इसको धीरे धीरे करके छोड़ दिया। अब और समय बच गया, तब उन्होंने देखा कि अभी भी काफी समय हमारा भोजन लाने में, पचाने में, निकालने में अभी भी लगता है। तो उन्होंने फल खाना छोड़ दिया। इस तरीके से आगे आगे फूल खाना छोड़ा, पत्ती खाना छोड़ा और पानी पीना भी छोड़ दिया। अब वो केवल हवा पे रहने लगे। जब पत्तियां छोड़ी तब माता पार्वती का एक नाम रह गया, अपर्णा। तो इस हिसाब से वो केवल हवा पे रहने लगे। अब आगे चलकर उनको पता चला कि अब हवा लेने में, निकालने में भी समय और शक्ति खर्च हो रही है, बहुत कम हो रही है, लेकिन हो रही है, इतना हम भगवान से जुड़ नहीं पाते। तो उन्होंने हवा लेना भी छोड़ दिया। तब वो आकाश से जुड़ गए, आकाश तत्व इसको कहते हैं, जो हवा भी नहीं देते। और तब आकाशवाणी सुनाई देती है, मांगो मांगो, जो आपकी इच्छा है आपको मिल जाएगा। आकाशवाणी आज भी चल रही है, हमारी बनाई आकाशवाणी भी चलती है और प्रभु की आकाशवाणी भी चलती है, लेकिन हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि हम इसके लायक नहीं। हमारी जो आकाशवाणी है इसको सुनने के लिए हमें रेडियो चाहिए। आजकल हर किसके मोबाइल में रेडियो है, इनबिल्ट डिफॉल्ट, फिर भी आकाशवाणी सुनाई नहीं देती, क्योंकि इसको हमें रेडियो मोड में लाना पड़ेगा, फिर भी आकाशवाणी सुनाई नहीं देती, क्योंकि जो आकाशवाणी हमें सुनना इसके साथ ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्यूनिंग हो जाता है आकाशवाणी हम सुन सकते हैं। तो उसी तरीके के भगवान की वाणी है, दिव्य वाणी है, आकाशवाणी है, इसको हमें सुनना है, इससे जुड़ना है। तो हमारा रेडियो शरीर जो है वहां से ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन ये हमारा रिसीवर स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन। तो इसको आप प्रभु के साथ जोड़ने के लिए ये जो गतिविधि बताई है ये करना पड़ेगा, तब हमारी फ्रीक्वेंसी भगवान से ट्यून होगी
क्योंकि भगवान सुख प्राप्ति सूक्ष्मा है, तो हमें भी वो कक्षा पे जाना होगा, तब हम भी भगवान से जुड़ सकते हैं। ये सभी के लिए नहीं है, लेकिन कोई कोई ही जा सकते हैं, करोड़ों में एक भी नहीं हो सकता इस कली काल में। लेकिन ये एक रास्ता हमें बताया गया है, और जिसको तप सेवा सुमिरन का रास्ता रामचरितमानस में बताया है, तप दान यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, रोजा चकात्मा पुराण में बताया है, फास्टिंग चैरिटी प्रेयर बाइबल में बताया है, उपवास तस्वन तीव्र गुरु ग्रंथ साहिब में बताया है। तो हर कोई ग्रंथ में ये रास्ता तो है ही, लेकिन हम भूल गए, तो इसको हमें फिर से उजागर करना है और हमें सही रास्ते पे चलकर प्रभु प्राप्ति करनी है। धन्यवाद, आभार।